लो आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन सा बहुत ही ब्यूटीफुल सम है। और आप देखोगे यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। तो चलिए पहले इस सम को देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया है। उन्होंने कहा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ए सी बी 90 डिग्री दिया गया है, ऐसे बोला है ना। वेरी गुड, ये इन्फॉर्मेशन दिया है। आगे क्या गया है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल विथ रेडियस आर। इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए, एक सर्कल है जो ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब किया है। इंस्क्राइब किया है मतलब ये सर्कल वो तीनों साइड्स को टच कर रहा है। ध्यान रखना वर्ड मैंने कहा टच कर रहा है, ओके ध्यान में रखना। ओके विथ रेडियस आर, दैट मीन्स ये जो सर्कल है इसका रेडियस दिया गया है आर, मतलब स्मॉल आर। तो हम मेंशन कर देते हैं वहां पे इंफॉर्मेशन के लिए स्मॉल आर ये जो रेडियस है मेंशन कर, ठीक है ओके। आगे नेक्स्ट देखिए क्या इंफॉर्मेशन। स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। ओके स्मॉल ए ये किसका लेंथ है, साइड बी सी का, तो साइड बी सी का लेंथ दिया गया है स्मॉल ए। ओके बी है किसका लेंथ है, ए सी का लेंथ दिया गया है राइट हमें स्मॉल बी, और ए बी का लेंथ दिया गया है स्मॉल सी, ये दिया है इंफॉर्मेशन, याद रखना देख लिया, वेरी गुड। तो चलिए सुपर, ये भी मेंशन कर दिया। चलो अभी आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। अब अगर आप आगे देखोगे उन्होंने बोला है हमें प्रूफ करना है दैट ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। सो टू प्रूफ पे ध्यान दे रहे हो, आप बोल रहे हो कि टू ऑफ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी प्रूफ करना है, हमेशा कहा टू प्रूफ पे देखना। ओके तो आप बोलोगे उससे पहले एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, ये जो सर्कल है इस ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो मैंने कहा वो साइड्स को टच कर रहा है, तो साइड्स को टच कर रहा है इसका मतलब एसी सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है, मतलब उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए। वैसे बीसी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और एबी का भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, नहीं मेंशन किया तो आप ले लीजिए कोई भी ई लेटर्स वहां पे मेंशन कर दीजिए, हमने दिया एस यू एन टी, वेरी गुड। चलिए भी कर दिया। इसके बाद आप बोलोगे ये जो सर्कल है इसका सेंटर होना चाहिए ना, नहीं दिया है तो हम ले लेते हैं, हम ओ ले लेते हैं और मेंशन कर देते हैं प्रूफ में लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। चलिए इतना इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया। अब जैसे मैंने हमेशा कहा है टू प्रूफ को देखिए और वहां से सोचने की शुरुआत कीजिए। ओके बाय द वे और एक चीज बोलता हूँ, अब तक इससे पहले हमने जो भी वीडियोस किए हैं वीडियो आपने देखा होगा बिकॉज वहां पे मैंने थॉट प्रोसेस डेवलप करवाया कैसे हम खुद से सम सोचते हैं। अगर नहीं देखा तो देखना, तो आपको खुद ब खुद सोचना आ जाएगा और प्रूफ बहुत इजी लगेंगे, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। ओके तो चलिए अभी इस टू प्रूफ को देखते हैं। ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी करना है, बट उससे पहले मुझे देखिए फिगर में कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। आप बोलोगे एक सर्कल है, ओके ट्राइंगल है ए सी बी, तो मुझे बताइए सर्कल के लिए ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, बी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। सो सर्कल के लिए जब एक्सटर्नल पॉइंट आता है तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सेगमेंट है क्या, चेक कीजिए। तो ये ए पे ध्यान दीजिए, मुझे बताइए ए से इस सर्कल पे कोई टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं, आप बोलोगे है ना, टेंजेंट सेगमेंट्स का मतलब याद रखना उस पॉइंट से लेके सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, तो आप बोलोगे है एस एंड ए टी। तो हम एस और ए टी के बारे में क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे वो इक्वल है। ओके हम इसे इक्वल करने, इक्वल तो हम लिख देंगे बट और इजी करने के लिए हम इसे वेरिएबल डिनोट करते हैं। चलिए ए एस और ए टी को हम एक्स ले लेते हैं, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे लेट एस इज इक्वल टू ए टी। दोनों इक्वल क्यों है वो तो हमें पता है, क्यों हमें पता है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, उसे हम एक्स ले रहे हैं इसलिए हमने लेट लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके अब बोलोगे अब सेम वे अगर आप सी देखोगे तो सी से आप बोलोगे हाँ दो टेंजेंट सेगमेंट्स है वहां पे सी एस एंड सी यू, वेरी गुड, हम उसे वाई वाई ले देते हैं, वेरी गुड। तो हम वो लिखेंगे और वो बन जाएगा हमारा रिजल्ट नंबर टू, सुपर। आप बोलो कि थर्ड, वेरी गुड, क्या होगा, बी बी से कौन सा है, यू वेरी करेक्ट, बी टी एंड बी यू से हम ले लेंगे जेड और वो होगा हमारा रिजल्ट नंबर थ्री। और इन तीनों का रीजन सेम ही होगा, एक ही कॉमन रीजन है, रीजन क्या है हमें पता है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब मुझे बताइए मतलब ये प्रूफ स्टार्ट करना इजी था ना, वही मैंने कहा बहुत 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 सिंपल। तो अब ये तो समझ गए, तो आपने कहा फिगर देखिए हमें इतना मिल गया, हमने मेंशन कर, तो चलिए आगे देखते। अब टू प्रूफ में देखिए तो सही क्या चाहिए हमें, ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी चाहिए, इसका मतलब क्या है,
कि ए प्लस बी माइनस सी करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट होना चाहिए ट्वाइस ऑफ आर, बिकॉज सिर्फ टू आर से तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे ए प्लस बी माइनस सी का रिजल्ट टू आर होना चाहिए ना, तो ए प्लस बी माइनस सी करते तो है पहले, तो लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी माइनस सी हमें इसकी जरूरत है। ओके तो पहले ए फिगर में देखिए, मुझे बताइए ए मतलब क्या है। आप बोलोगे ए मतलब बीसी है ना, यस, तो बीसी लिखिए, लिख देते हैं। प्लस बी है स्मॉल बी, अब स्मॉल बी मतलब क्या है। आप बोलोगे वो तो एसी है, तो लिख दीजिए एसी वहां पे। माइनस सी दिया गया है, स्मॉल सी, स्मॉल सी क्या है, ए बी है, तो वो लिख लीजिए। वेरी गुड, वाह, चलिए हमें कुछ तो मिले। तो फिर से जाते हैं आगे, बीसी को देखते हैं। और मुझे बताइए बीसी जो है, जब आप फिगर में देखोगे बीसी क्या है, आप बोलोगे बीसी जो है वो दो सेगमेंट से बना हुआ है। देखिए सी यू प्लस बी यू, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, वेरी गुड, लिख सकते हैं ना, तो लिख लीजिए सी यू प्लस बी यू। इसका रीजन क्या है, बी डैश यू डैश सी, वेरी गुड, तो वो हम रीजन में लिखने वाले, लिख लिया, वेरी गुड। चलिए आप बोलोगे अभी एक्साइटेड हो, एसी के लिए भी सेम लिखेंगे। तो एसी देखिए, साइड एसी जो है आप बोलोगे वो भी दो सेगमेंट से बना हुआ है, कौन से दो सेगमेंट्स हैं, एस प्लस एस सी, तो लिख लीजिए। और वहां पे उसका रीजन भी हमें पता चल गया, उसका रीजन क्या होगा, ए डैश एस डैश सी, वेरी गुड, सुपर। तो चलिए आगे देखते हैं, आप बोलोगे माइनस ए बी, ए बी जो है ये क्या होगा, ए टी प्लस बी टी, वेरी गुड, माइनस ऑफ ब्रैकेट में लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वो गड़बड़ मत करना, लिख लीजिए। और इसका रीजन क्या होगा, ए डैश टी डैश बी, लिख लिया, वेरी गुड। तो स्टेटमेंट भी लिख लिया, रीजन भी लिख, ओके। तो आप बोलोगे इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, अब आगे क्या कर सकते हैं, हमें पता है इन सबको हमने वेरिएबल्स एज्यूम किया, तो वेरिएबल लिख लेते ना, तो इक्वल टू सी यू है, सी यू का वैल्यू क्या है हमें पता है, वाई, वेरी गुड। और ये मिल कहां से रहा है, 1 2 3 है, वहां से मिल रहा है ना, वेरी गुड। चलो यूबी है, यूबी का वैल्यू क्या है, जेड, सुपर, तो वहां पे जेड लिख लीजिए। प्लस एस है, एस का वैल्यू क्या है, एक्स, तो एक्स लिख लीजिए। प्लस एस सी है, एस सी का वैल्यू क्या है, वाई, वेरी गुड। माइनस ब्रैकेट के अंदर एटी, एटी का वैल्यू है एक्स, प्लस ब्रैकेट के अंदर है टीबी, टीबी का वैल्यू है जेड। ये सारे वैल्यूज हमें मिले कहां से, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो वो रीजन लिख। अब बोलोगे वाओ ये भी इंटरेस्टिंग है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू राइट हैंड साइड में वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, ऐसे ही रखेंगे। ये ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। सो अब लोगे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मतलब साइन चेंज होगा, माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस वाई आएगा माइनस जेड, सुपर। अब देखिए राइट हैंड साइड में कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो, हम बोलोगे हाँ हाँ कैंसिल हो रहा है प्लस, यस कैंसल हुआ, देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल। अब बोलोगे ऐसे ही, हाँ, और भी कैंसल हो रहा है, प्लस जेड माइनस जेड कैंसल, वाई वाई कैंसल नहीं हो रहा है, बिकॉज वाई प्लस वाई है, मुझे पता वाई प्लस वाई कितना है, वाई प्लस वाई है 2y, तो लिखेंगे और हमें मिलेगा ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2y। मतलब ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू हमें 2r चाहिए और हमें 2y मिला है, तो ठीक है इतना तो मिला है, इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 4, सुपर। अब इसे अगर हम कंपेयर करें जो हमें जरूरत है, तो आप बोलोगे हमें सब कुछ मिल गया है, सिर्फ 2y है, y के जगह में हमें r की जरूरत है। अब y के जगह पे हम r कब लिख सकते हैं, सिंपल है, अगर वो इक्वल हुआ तो, इरेज करके तो नहीं लिखेंगे, अगर वो इक्वल हुआ दैट मींस हमें y और r को इक्वल दिखाना, तो y और r किधर है वो देखिए, y r। अब बोलोगे वो तो ये तो यहाँ पे साइड्स है इस क्वाड्रिलेटरल का, तो इस क्वाड्रिलेटरल पे फोकस करते हैं, तो हम इस क्वाड्रिलेटरल पे जाएंगे। तो अब इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए, आप बोलोगे एंगल SCU जो है वो 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री है, वो दिया हुआ है, तो रीजन में लिख देंगे हम, गिवन, ओके दिया हुआ है, वेरी गुड। और कुछ है जो वहां पे पता है, आप बोलोगे हाँ हाँ ये जो AC है वो टेंजेंट है, तो ये रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एस पे जो एंगल हो कितना होगा 90 डिग्री, तो एंगल OSC कितना होगा 90 डिग्री, मेंशन करते हैं, रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम, वेरी गुड। चलिए आगे, अब बोलोगे ऐसे ही और एक एंगल मिल गया, BC टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे U कितना होगा 90 डिग्री, दोनों का रीजन सेम है, तो एक ही साथ लिखिए, रीजन क्या होगा, टेंजेंट थ्योरम, सुपर्ब। अरे इस क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स 90 है, तो जो 4th एंगल है वो कितना होगा, आप बोलोगे वो भी 90 डिग्री है, तो लिखिए ना 90 डिग्री वहां पे, तो हम लिख लेंगे वो एंगल, जो रिमेनिंग एंगल है वो 90 डिग्री है, दैट इज SOU इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उसका रीजन होगा रिमेनिंग एंगल।
जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। तो हम इसे लिखेंगे रेक्टेंगल। और ये रेक्टेंगल है ये किसने कहा? उसके डेफिनेशन ने कहा सब एंगल्स 90 है तो रेक्टेंगल, तो रीजन लिखेंगे बाय डेफिनेशन। अब रेक्टेंगल बताए, तो मुझे बताइए अगर रेक्टेंगल है तो आप बोलोगे ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो एस सी का ऑपोजिट साइड क्या है? ओ यू। और एस सी क्या है? वाई। ओ यू क्या है? आर। दैट मींस वाई इक्वल टू क्या मिला? आर। वही तो जरूरत है, तो लिखिए तो सही। एस सी इज इक्वल टू ओ यू लिख लीजिए। क्यों ये दोनों इक्वल क्यों है? ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। अब इसके वैल्यू सब शूट कीजिए। एस सी का वैल्यू हमें पता है y है और ओ यू का वैल्यू हमें पता है दैट इज r, और ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 5। अब हमें क्या करना है? y इक्वल टू r मिल गया, इसे उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए कहां पे? रिजल्ट नंबर 4 में। तो राइट हैंड साइड में y हटा के हम वहां पे क्या लिखेंगे? r। तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r मिल गया। कहां से मिला? फ्रॉम 4 एंड 5। तो मिल गया ना। तो आप बोलोगे हो गया, हमारा प्रूफ इज डन। सो हमें मिल गया ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। सिर्फ उसे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड स्वैप कर दीजिए, जैसा इसमें है वैसा लिख दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, और हमने ये प्रूफ कर दिया। अब मुझे बताइए कितना इजी था ना, कुछ डिफिकल्ट था? बट जो थॉट प्रोसेस है, फिगर को देखना, उससे इंफॉर्मेशन लेना, टू प्रूफ को देखना, उससे एनालाइज करना, ये इंपॉर्टेंट है। और यही सोच मैंने डेवलप की है, ये सोच डेवलप करना वो इंपॉर्टेंट है। सम इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी सम खुद कर सकता है, वो याद रखना, वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना। अब आपका तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया, आपके फ्रेंड्स का भी होना चाहिए, तो उनके साथ शेयर कीजिए। और आपको तो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक एक्साइटिंग एक्साइटिंग नॉन टेक्सुअल सबके साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।